हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YCT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वालिटी की लगातार क्लासेज पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हमने कल मौलिक कर्तव्य पढ़ के समाप्त किया है। तो कल वाले लेक्चर में आपने पूरा का पूरा मौलिक कर्तव्य पढ़ा है। तो अब तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं, मैंने आपको समझाया था संविधान एक बुक है और चैप्टर के फॉर्मेट में ही दिया गया है। हमने भाग एक पढ़ा था संघ एवं उसका राजक्षेत्र, हमने भाग दो पढ़ा था नागरिकता, भाग तीन पढ़ा मौलिक अधिकार, भाग चार पढ़ा नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के बारे में, और भाग चार का पढ़ा यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य के बारे में। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग पांचवा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भाग पांच संघ कार्यपालिका। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, भाग पांच पढ़ेंगे संघ कार्यपालिका के बारे में। कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक में, मैंने इसको पेज के फॉर्मेट में आपको पहले लेक्चर बताया था, याद करने का ट्रिक। तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है संघ कार्यपालिका, और चैप्टर ने संख्या कितनी है, पांच। तो भाग पांच हम लोग पढ़ेंगे संघ कार्यपालिका, कहाँ से कहाँ तक में दिया गया है, तो अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक में संघ कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखिए, राष्ट्रपति को शुरू करने से पहले राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आप सबको लगातार भूलता रहता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से उसे मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। आप सबको पता है कि कभी 52 पूछ लेता है, कभी 54 पूछ लेता है, कभी अनुच्छेद 60 पूछ लेता है, कभी अनुच्छेद 61 पूछ लेता है, और ये सारे अनुच्छेद बड़े कंफ्यूज कराते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यहां से एग्जाम में होना ही होना है, तो क्यों ना इसको किसी ट्रिक के माध्यम से पहले हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक आपको मुंह जवानी ये 10 ट्रिक मैं आपको यहीं पे एकदम कत्तई जहर वाला ट्रिक याद कराने चल रहा हूं। देखिएगा, पहला ट्रिक मैंने क्या बनाया है, पकानी। ठीक है, पकानी, पा से क्या होता है, पद, राष्ट्रपति का पद। तो आर्टिकल 52 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया। ठीक है, का से क्या हो गया, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये कहां बताया गया है, अनुच्छेद 53 बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का एक पद होगा ये बताया गया है, अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति ये बताया गया है, और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो पकानी के माध्यम से आर्टिकल 52, 53 और 54 आपको याद हो गया, पकानी। ठीक है, देखिए लिखा हूं येलो में, पकानी। पा से क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद। तो आर्टिकल 52 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद। का से क्या हो गया, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता, किस अनुच्छेद में, 53 में हो गया। 54 में क्या हो गया, निर्वाचन। तो 52, 53 और 54 पकानी के माध्यम से आपको याद हो गया। उसके आगे देखिए, कोका लिखा हमने भैया। ठीक है, अगला शब्द क्या लिखा हुआ है, कोका। कोका किस लिए, तो जो निर्वाचन कोटा होता है कि जितने वोट पड़े हैं, ठीक है, +1 की संख्या से जीतना होता है। तो कुल पड़े वैध मतों की संख्या / 2 +1 जिसको कहते हैं निर्वाचन कोटा। जब तक आप निर्वाचन कोटा नहीं पाएंगे, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीतेंगे। तो एक निश्चित निर्वाचन कोटा होता है, कुल पड़े वोटों की संख्या / 2 +1 उसी को कहते हैं निर्वाचक कोटा। तो निर्वाचन कोटा किसमें दिया गया है, 55 में भैया। कोका, को से क्या हो गया, कोटा। तो 55 में क्या हो गया, कोटा। और का से क्या होता है, कार्यकाल। ठीक है, तो 56 में क्या हो गया, कार्यकाल। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, अब बताइए। 52, 53, 54, 55, 56 लाइंस याद हो गया, 52, 53 और 54 याद करने के लिए पकानी बता दिया हूं। आर्टिकल 52 में पद हो गया का से, कार्यपालिका का प्रधान हो गया किसमें, 53 में, और निर्वाचन हो गया किसमें, 54 में। तो पकानी के माध्यम से 52, 53 और 54 क्लियर हो गया। कोका के माध्यम से निर्वाचन कोटा किसमें है, आर्टिकल 55 में। तो आर्टिकल 55 में क्या हो गया, निर्वाचन कोटा। 56 में क्या हो गया, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में किसमें चर्चा की गई है, आर्टिकल 56 में, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको पहले जो इंपॉर्टेंट है, ये 10 के 10 अनुच्छेद जो अक्सर भूल जाता है, और एग्जाम में यहां से इन 10 अनुच्छेदों से कोई ना कोई सवाल आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अगर राष्ट्रपति का चैप्टर है तो सवाल यहां से बनना है। तो 55 और 56 आपको याद हो गया। फिर देखिए, 57 और 58 को याद करने के लिए हमने ट्रिक क्या दिया भैया, दुयो। ठीक है, ये दिया ट्रिक, दुयो।
दूसरे क्या हो गया, दोबारा निर्वाचन यानी पुनः निर्वाचन किसमें है, आर्टिकल 57 में। कभी कभी सीधे सवाल पूछ लेता कि आर्टिकल 57 किससे संबंधित है, दे देगा कार्यकाल से संबंधित, निर्वाचन कोटा से, दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन से संबंधित है या योग्यता से। तो दोनों आसपास है, 57 और 58 तो भूल जाता है किससे संबंधित है। तो ये आपको याद हो जाएगा कि दोबारा निर्वाचन किसमें है, 57 में, मतलब पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति की, पुनः निर्वाचन की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 57 में। और आर्टिकल 58 में क्या किया गया, तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसकी चर्चा कहां की गई है, तो आर्टिकल 58 में। अब बताइए 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58 आपको कंठस्थ हुआ या नहीं हुआ। देखिए आगे अगला ट्रिक हमने क्या बताया है, दशम, ठीक है, अगला ट्रिक हमने दिया है दशम। दस क्या होता है, दशाएं, तो राष्ट्रपति पद की दशाएं या इसी को कहते हैं शर्तें क्या क्या हैं, वो दिया गया है किसमें, आर्टिकल 61 में। तो दशाओं के बारे में कहां चर्चा की गई है, आर्टिकल 61 में। भैया सात से होता है राष्ट्रपति पद का शपथ, तो राष्ट्रपति पद के शपथ की चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 60 में। और महाभियोग प्रक्रिया के बारे में चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 61 में। तो 61 में किसकी चर्चा की गई है, महाभियोग की। कलर कॉम्बिनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर से लिखा तो 52 राष्ट्रपति का पद, 53 हरा से लिखा है तो कार्यपालिका का प्रधान, इसको गुलाबी से लिखा है 54 तो निर्वाचन, ठीक है, जिसको जिस कलर से लिखा है उसके नीचे वाला वही सेम चीज लिखा गया है। अब बताइए आपको 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ये 10 अनुच्छेद आपको कंठस्थ हुए या नहीं हुए। पहला ट्रिक क्या दिया हूं, पकानी, पा से क्या होता है राष्ट्रपति का पद, पा से क्या होता है राष्ट्रपति का पद किसमें है, आर्टिकल 52 में। का से क्या होता है कार्यपालिका का प्रधान, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये कहां बताया गया है, आर्टिकल 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा और निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, ये कहां बताया गया है, आर्टिकल 54 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है 54 में, कार्यपालिका का प्रधान होगा बताया गया है 53 में, और राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा कहां की गई, आर्टिकल 52 में। तो ट्रिक क्या बना दिया, पकानी भैया, पा से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान और नी से निर्वाचन, 52, 53 और 54 क्रमशः याद हो गया। इसके बाद का ट्रिक आपको दिया हूं कोका, कोका से क्या हो गया, निर्वाचन कोटा किसमें हो गया, 55 में। फिर का से हो गया कार्यपाल किसमें हो गया, आर्टिकल 56 में। तो 56 में हो गया कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय के लिए होता है, जो आप पढ़ते हैं 5 वर्ष के लिए होता है, वो कोका के माध्यम से याद हो गया। फिर हमने आपको अगला ट्रिक दिया, ये कोका वाला हो गया, तो 52 से शुरू है और सीक्वेंस है मुजवानी, 52, 53, 54 एक साथ, 55, 56 एक साथ और 57, 58 आपका दुयो के माध्यम से। दो से क्या होता है, दोबारा निर्वाचन, तो आर्टिकल 57 में आपका दोबारा निर्वाचन के बारे में दिया गया, आर्टिकल 58 में योग्यता के बारे में। तो दुयो से याद हो गया कि निर्वाचन राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन 57 में है और राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए किसमें है, आर्टिकल 58 में है। अगला ट्रिक मैंने आपको बताया था दशम, दास से होता दशाएं या शर्तें, तो आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं क्या हैं और शर्तें क्या हैं, मतलब कि दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद में ना हो, ये सब शर्तें हैं। और योग्यता में दिया गया कि लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो सारी चीजें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हमारा उद्देश्य है कि आर्टिकल 52 से लेके 61 तक तो आपको कंठस्थ हो ही जाए। शास्त्र क्या होता है शपथ, तो राष्ट्रपति पद का शपथ किसमें दिया गया है, 60 में। 61 से होता महाभियोग, तो दशम से आपको 61, 60 और 61 याद हो गया, इसको छाप लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, एकदम कत्तई जहर वाला ट्रिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल यहां से एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, यहां से बच के आप नहीं जा सकते हैं। तो 52 से लेके 61 तक आपको एकदम घुट्टी बना के पिला दिया गया कत्तई जहर के माध्यम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा, पढ़ने चल रहे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में भैया, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है राष्ट्रपति, ट्रिक आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। राष्ट्रपति, अब सोचिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भैया, प्रेसिडेंट, ठीक। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहां पे बताया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये चर्चा की गई है किसमें, आर्टिकल 52 में भैया। तो आर्टिकल 52 में ये चर्चा किया गया है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसकी चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 52 में। अब देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सैद्धांतिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। कार्यपालिका का ये सैद्धांतिक
या हम कहते हैं एक दिखावटी प्रमुख होता है, ठीक है। इसका जो पद है वो इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष है। राष्ट्रपति का जो पद है वो किसके समकक्ष है, तो इंग्लैंड के सम्राट के समकक्ष है। ये किसने बताया है, भीमराव अंबेडकर ने। तो भैया भीमराव अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा है, यही कहा था कि जो भारत के राष्ट्रपति का पद है वो इंग्लैंड के सम्राट के समतुल्य है, ठीक है। तो इंग्लैंड के सम्राट के समतुल्य है। तो देखिए भारत ने कौन सी प्रणाली अपनाया है, अध्यक्षीय कि संसदीय प्रणाली अपनाया है। तो भारत ने आपका संसदीय शासन प्रणाली अपनाया है। कैसा शासन प्रणाली अपनाया है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली हमने अपनाया हुआ है, ठीक है। कितने प्रकार की प्रणालियां विश्व में पाई जाती हैं, तो दो प्रकार के प्रमुख रूप से जो प्रचलन में प्रणालियां हैं वो एक होता है संसदीय शासन प्रणाली और एक आपका होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, ठीक है। एक आपका संसदीय है और एक आपका अध्यक्षीय है। अगर हमको अध्यक्षीय के लिए कोई एग्जाम्पल चाहिए होगा तो अध्यक्षीय में एग्जाम्पल आप यूएसए का ले सकते हैं, ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली में आप किसका ले सकते हैं, भारत का ले सकते हैं, ठीक, ब्रिटेन का ले सकते हैं। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली किससे मोटिवेट होकर लिया है, ब्रिटेन से, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली में देश के दो प्रमुख प्रधान होते हैं, ठीक है, एक संवैधानिक और एक वास्तविक। तो जो राष्ट्रपति है वो देश का संवैधानिक प्रधान है। कैसा प्रधान है, देश का संवैधानिक प्रधान इसको कहा जाता भैया, देश का संवैधानिक प्रधान, ठीक। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान है। इसकी चर्चा कहां की गई है, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद की चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल 52 में। इसको मैंने अभी आपको पकानी वाले के माध्यम से देखिए याद कराया था, ठीक। पीछे देखिए पकानी, राष्ट्रपति का पद किसमें, आर्टिकल 52 में। कार्यपालिका का प्रधान होगा किसमें, 53 में, ठीक है। अब देखिए देश का संवैधानिक प्रधान होगा कौन, राष्ट्रपति, लेकिन वहीं पे देश का वास्तविक प्रधान अगर आपसे पूछे कौन होता है, ठीक है, तो देश का वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रधान आपका प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद कह सकते हैं हम, ठीक है। तो वास्तविक प्रधान जिसमें वास्तविक शक्तियां अंतर्निहित है वो आपका प्रधानमंत्री होता है भैया, ठीक है, ठीक। तो सैद्धांतिक रूप से जो भारत का प्रधान है वो कौन है, देश का संवैधानिक प्रधान हम राष्ट्रपति को कहते हैं। चीजें क्लियर है। अब देखिए आर्टिकल 52 हमने पढ़ लिया, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 53 में क्या कहा गया, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 53 कहता है कि समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भैया, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। यही चीज तो मैंने आपको यहां याद कराया हुआ है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, कतई जहर वाला ट्रिक भैया, इसको एकदम घुट्टी बना के पीना, अगर आपको अमृत को प्राप्त करना है तो ये कतई जहर आपको पीना ही पड़ेगा। और उसके लिए ट्रिक भी मैंने दे दिया है ताकि मीठा लगे ये जहर, ठीक है। तो इस मीठे जहर को आपको पीना पड़ेगा भैया। आगे देखिए आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो मंत्रिपरिषद शक्तियों का प्रयोग करेगा वो राष्ट्रपति से पूछ के करेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और उसका जो पद है वो इंग्लैंड के सम्राट के समतुल्य है। ये शब्द किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक प्रधान है, इंग्लैंड के सम्राट के समतुल्य है। राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा कहां की गई है, तो आर्टिकल 52 में की गई है। और 53 में कहा गया
क्या कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति पद की आलोचना भी की जाती है, ठीक है, कि राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है, जो भी मंत्रिपरिषद कहेगी राष्ट्रपति को उसे ही करना पड़ता है। तो कभी कभी सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति का पद निरर्थक है, ठीक है, क्या राष्ट्रपति केवल रबर स्टाम्प है। तो देखिए, संवैधानिक प्रधान का मतलब ये हो गया कि जितने भी समझौते होते हैं, युद्ध होता है या किसी देश के साथ समझौता होता है, तो किसके नाम से होता है, राष्ट्रपति के नाम से होता है, ठीक है। देश में चाहे युद्ध हो चाहे किसी देश के साथ समझौता हो, वो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा, ठीक है, क्योंकि संवैधानिक प्रधान वही है। और किसी भी कृत्य के लिए राष्ट्रपति को आप अपने पद पर रहते हुए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ये भी चीज है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर कोई काम करता है तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति ने वो कार्य जो मंत्रिपरिषद है उसके सुझाव पे किया है, उसके कहने पे किया है, अपने मन से नहीं किया। भारतीय संविधान जो है वो राष्ट्रपति को विवेकाधिकार नहीं देता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को भैया विवेकाधिकार नहीं देता है, ठीक, विवेकाधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता है। इसको सारे काम मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करना पड़ता है। ये स्वतः विवेक से, स्वविवेक से कोई निर्णय राष्ट्रपति नहीं ले सकता। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी कि भारत ने कौन सी प्रणाली अपनाई है, तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। और संसदीय शासन प्रणाली में देश के दो लोक प्रधान होते हैं, एक आपका संवैधानिक प्रधान या औपचारिक प्रधान इसी को कहते हैं, औपचारिक प्रमुख कहते हैं, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, ठीक। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है, जो भी मंत्रिपरिषद कहता है वही काम राष्ट्रपति को करना पड़ता है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, कहां कहा गया है, आर्टिकल 53 में। इसको हमने पकाने वाले ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, ठीक है। और निर्वाचन के बारे में कहां बताया गया है, ये देखिए 54 में भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो हम लोग कहां चल रहे हैं, देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार हो सकता है। तो जो हमने ट्रिक बताया था 52-53, तो आर्टिकल 52 हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि राष्ट्रपति का पद भारत में होगा, ये 52 बताया गया। 53 में क्या बताया गया है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में। इसका मतलब ये था कि जितने भी कार्य समझौते किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो घर में स्थिति बुजुर्ग की होती है, कि उसकी छत छाया होना जरूरी है। अब 52-53 पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कहां की गई है, तो आप सबको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आपका आर्टिकल 54 में किया गया है। पकानी वाला बताया था ना आपको, अभी ट्रिक क्या बताया था, ये ट्रिक हमने आपको याद कराया, फिर से याद करा रहा हूं ताकि भूले ना, पकानी। तो 52 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का पद दिया गया है भैया। 53 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का प्रमुख कहां बताया गया है, 53 में बताया गया है। और आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां हो गया, आर्टिकल 54 में हो गया। 53 में क्या हो गया, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये आपका 53 हो गया। 52 में क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया। ये चीजें आपको याद रहेंगे, ठीक। ट्रिक पहले ही बताया है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, इन सारी चीजों की चर्चा कहां की गई है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आपका आर्टिकल 54 या हम कहें कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाएगा। किसके माध्यम से, निर्वाचक मंडल के माध्यम से, ठीक है, निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। भैया मतलब राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, तो एक निर्वाचक मंडल होगा, उसके माध्यम से राष्ट्रपति का आपका चुनाव किया जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ठीक है।
तो देखिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे ये हम पहले देख लेते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, महत्वपूर्ण चीज आपने पढ़ा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें बताया गया है, आर्टिकल 54 में, और आर्टिकल 54 में ही ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा। अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे ये जानना जरूरी है। एग्जाम में यहां से सवाल 100% बनता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए निर्वाचक मंडल में पहले आपके संसद के निर्वाचित सदस्य कौन शामिल होते हैं भैया, संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित जो चुने गए हैं, तो संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब संसद का मतलब क्या हो गया, वो लोकसभा भी हो गया, वो राज्यसभा भी हो गया, दोनों हो गया, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है मनोनीत को छोड़ के। जैसे राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, तो जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें वो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। वोट कौन डाल सकता है, जो केवल चुन के आए हैं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत को छोड़कर, ठीक। अब आपके दिमाग में ये चीजें भी स्ट्राइक करनी चाहिए कि भैया केवल निर्वाचित सदस्यों को ही क्यों मौका दिया जा रहा है कि निर्वाचक मंडल में शामिल करने का। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आप सबको पता है कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उसको मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता। भैया इन 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति करता है कि नहीं करता है, और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को भी राष्ट्रपति अब तक मनोनीत करता था, इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो अगर ये सदस्य वोट देते निर्वाचक मंडल के माध्यम से तो यही तो माना जाएगा कि इनको राष्ट्रपति ने ही निर्वाचित किया है, मनोनीत किया है, तो ये किसको वोट देंगे, जिसने मनोनीत किया हुआ है। तो इसलिए ताकि चुनाव में कोई भेदभाव ना हो पाए इसीलिए इनको निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इन 12 सदस्यों को राज्यसभा में और दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था। तो इनके ऊपर एक टैग लग सकता है कि क्योंकि इनको इस राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया था इसलिए ये उसी राष्ट्रपति को वोट दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है दोबारा निर्वाचन के बारे में आपने पढ़ा है ये 55 में, कि राष्ट्रपति पद का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, तो हो सकता है कि अगले चुनाव में वो राष्ट्रपति दोबारा लड़े और ये चीजें हो जाएं, तो इस वजह से इसको किया गया है। चीजें क्लियर हो गई, तो क्यों केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं ये आपको समझ में आ गया, ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो पाए, ठीक। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा संसद के निर्वाचित सदस्य मनोनीत को छोड़ के ये निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक। निर्वाचित सदस्य, तो भैया देखिए एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य हो गए जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आपका दोनों शामिल है, इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई, ये दो। और फिर 17वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 17वां संविधान संशोधन, ठीक। तो इसके माध्यम से क्या किया गया, 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभाएं हैं, तो किसमें किसमें हैं, एक तो आपका दिल्ली में है और एक आपका कहाँ है, पुद्दुचेरी में है, ठीक है। तो दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित का मतलब जो जनता के द्वारा चुन के आए हुए हैं, ठीक है, जिनका जिनके लिए चुनाव हुआ हो, ऐसे सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने राज्य हैं, जैसे
जैसे इस समय आपके 28 राज्य हैं, तो 2800 राज्यों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब विधायक हैं वो इसमें वोट डालेंगे। इसके अलावा 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाएंगे। तो चीजें क्लियर हो गई। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कहां बताया गया है, आर्टिकल 54 में बताया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव किया जाएगा। अब सवाल ये उठा कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन करेगा भैया? तो वोट कौन करेगा? संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य हैं वो वोट करेंगे, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वो वोट करेंगे, और 17वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी इसमें वोट करेंगे जो चुने हुए सदस्य हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल इतने लोग शामिल होते हैं। चीजें क्लियर हो गई। अब जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन कराता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है ये महत्वपूर्ण है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो चुनाव कराता है, या हम कहें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कई बार पूछा गया है। भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का जो महासचिव होता है, लोकसभा का महासचिव इस चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, लोकसभा का महासचिव। ठीक, तो लोकसभा का जो महासचिव होता है वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। चीजें क्लियर हो गई। तो अगले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे, कोटा के बारे में पढ़ेंगे, बाकी अन्य कि निर्वाचक मंडल में कितने सदस्यों का होना जरूरी है, प्रस्ताव कितने सदस्य रखेंगे, 50-50, ये सारी चीजें राष्ट्रपति वाले अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के चैप्टर में हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, आज हमने आर्टिकल 52, 53 और 54 पढ़ के समाप्त किया है। 52 को हमने पकाने के माध्यम से पढ़ा था कि राष्ट्रपति का पद होगा का से कार्यपालिका का प्रधान और नी से निर्वाचन आर्टिकल 54 में। तो ये चीजें हमने पढ़ के समाप्त किया है। अगले लेक्चर में हम जब लोग आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बाद उसकी योग्यताएं क्या है, कार्य क्या है, बहुत सारी चीजें। राष्ट्रपति बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल यहाँ से आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आज हमारा वीडियो देख रहे हैं और सारी क्लासेज आप करना चाहते हैं, तो पेड क्लासेज नहीं यहाँ पे कि आपको पैसा देना है और फिर क्लासेज करनी है, बस आपको इतना कष्ट करना है कि प्लेलिस्ट में जाना है और पुरानी सारी क्लासेज लेक्चर 1 से अपलोड है वो आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है, वहां पे सारे लेक्चर आपको पहले भाग से संघ एवं उसका राज क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है, वहां आपको सारी